हेलो बच्चों, मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 11 पढ़ेंगे और हमारा आज का लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछला जो हमने पढ़ा था। द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिमेन सेम इवन इफ़ द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड आर इंटरचेंज। यदि हम नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो भी प्रोडक्ट हमारा सेम होता है। जैसे 4 × 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 × 4 इज इक्वल टू 20। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दिखाई दे रही हैं और कुछ यहाँ वर्टिकल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। वर्टिकल लाइंस आपको शो करती हैं यहाँ कॉलम्स को, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो शो करती हैं रोज को, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा शो करता है जहाँ पर ये रोज और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो आप यदि इसको ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे पास 6 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को काउंट करें तो हमारे पास यहाँ टोटल 18 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 6 इज इक्वल टू 18। आपको अच्छे से समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है। यहाँ हमारे पास एक रो है और 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो लिख सकते हैं 1 × 2 इज इक्वल टू 1 × 2, दैट इज़ इक्वल टू 2। इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ रोज़ को यदि इंक्रीज करते जाएंगे 1/1, तो लिख सकते हैं 2 × 2 इज़ इक्वल टू 2 × 2, दैट इज़ इक्वल टू 4। 3 × 2 इज़ इक्वल टू 3 × 2, दैट इज़ इक्वल टू 6, और 2 का टेबल हम बना सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। यदि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। जैसे 0 × 4 इज़ इक्वल टू 0, और ऐसे ही 4 किसी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा, जैसे 4 × 1 इज़ इक्वल टू 4। बच्चों, अब हम इसको और अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं और एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन में कम्प्लीट करना है। 3 × 7 इज़ इक्वल टू 7 × 3 आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। आपको बताया है कि 0 से यदि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, और 6 को 1 से करना है, तो किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में वही नंबर आता है, तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6। फिर है 0 × 7। अब किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। और यहाँ पर आपको वर्कशीट नंबर 10 के आंसर दिए गए हैं। प्लीज़ चेक एंड डू योर वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू बच्चों, और अपना काम आप सब करते रहें। ऑल द बेस्ट, डू योर वर्क।